वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर. इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन में हमने टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस पिछली क्लास में देखा था कौन कौन से टर्म्स उसके अंदर आते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स के बारे में. इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट होता है, किन जगह पर हमारा अमाउंट टैक्सेबल होता है, वही आज की क्लास में हम टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स के बारे में सीखने वाले हैं इनकम टैक्स क्लास के अंदर. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड होता है, जिसमें टी कॉफी या स्नैक्स जो प्रोवाइड होते हैं एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स में, जो कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होती है, वो सब चीजें एग्जेम्प्ट में कवर होती हैं. साथ ही साथ जो भी फूड प्रोवाइडेड होता है एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अगर रिमोट एरिया है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अदर केस में 50 रुपये पर मील का यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है. अगर उससे ऊपर है तो फिर वो टैक्सेबल में काउंट होगा. सपोज 70 रुपये पर मील हमारा खर्चा है तो 50 रुपये पर मील घटाने के बाद 20 रुपीज पर मील वहां पर टैक्सेबल होगा. अदर केसेस में वही चीजें दे रखी हैं, अल्कोहलिक बेवरेज है तो फिर वहां पर टैक्सेबल होगा. फूड जो कि 50 रुपये से ज्यादा है वो टैक्सेबल होगा उतना अमाउंट. फूड प्रोवाइडेड आफ्टर ऑफिस आवर्स इज टैक्सेबल. मील वाउचर जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं वो भी वहां पर टैक्सेबल में काउंट होंगे. तो ये सभी केसेस जो कि कॉस्ट ऑफ फूड है उसमें से हम लेस कर देंगे जो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, वापिस जो रिकवर्ड होने के बाद जो बचता है बैलेंस वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा. तो ये हमारा फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर था. इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मिस्टर विकास जिसको रिसीव हुई है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, ही आल्सो गेट फ्री फूड एट ऑफिस, कॉस्ट ऑफ फूड पर मील ₹90 एंड ही वर्क्स फॉर 300 डेज. तो हमें यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है. इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी हमारी 40,000 पर मंथ है और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे साल का, हमारा अमाउंट आ चुका है 4,80,000. यहाँ पर फ्री फूड परक्विजिट्स की बात करें तो 90 रुपये मील के हिसाब से हमें मिले हैं, जिसमें से हम 50 रुपये का अमाउंट घटा देंगे. जो बचा हुआ बैलेंस है 40 रुपये वो टैक्सेबल होगा 300 दिनों तक का. हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर 12,000 रुपये जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है फूड का वो निकल के आया है. इन दोनों का जोड़ देंगे बेसिक सैलरी में फ्री फूड परक्विजिट्स का, तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हमें मिल गई है 4,92,000. एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2. सपोज फ्री कॉफी इज प्रोवाइडेड एवरी डे एट कॉस्ट ₹20 पर कॉफी फॉर 300 वर्किंग डे. तो यहाँ पर ऊपर हमने क्लियरली पढ़ा था टी स्नैक्स या कॉफी जो भी ऑफिस आवर में दिए गए हैं एम्प्लॉय को वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. इवन सिमिलर रिफ्रेशमेंट लाइक कॉफी इज एग्जेम्प्ट एज पर सीबीडीटी सर्कुलर. तो ये चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं. एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, मिस्टर विकास रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, ही आल्सो गेट फ्री फूड एट ऑफिस, कॉस्ट ऑफ फूड पर मील इज ₹90 एंड ही वर्क्स फॉर 300 डेज इन रिमोट एरिया. ऊपर भी सेम एग्जांपल था, आपने देखा हो क्वेश्चन नंबर 1 में, एग्जांपल नंबर 1 में. यहां पर इतना फर्क है कि रिमोट एरिया में वर्किंग है, तो रिमोट एरिया में हमने देखा था कि कोई हमारा टैक्सेबल नहीं होता, पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट होता है. यानी कि सिर्फ हमारी बेसिक सैलरी हमें निकालनी है, फ्री फूड परक्विजिट्स यहाँ पर एग्जेम्प्ट है. हमारा अमाउंट जो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000 का होगा. नेक्स्ट जो हमारा परक्विजिट्स है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल रिम्बर्समेंट परक्विजिट्स. तो इसमें अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है एम्प्लॉय का जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है इंश्योरेंस अप्रूव्ड बाय RDA, तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, उस पे टैक्सेबल अमाउंट में वो इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट नहीं होगा. या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर या उसकी फैमिली के लिए और वो क्लेम करता है कंपनी को, तो वहां पर भी वो एग्जेम्प्ट है. या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर या उसकी फैमिली का इंडिया के अंदर अगर ट्रीटमेंट होता है
अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है एम्प्लॉय, या कोई भी डिसीज होता है, जो कि सर्टिफिकेट रिसीव होता है हॉस्पिटल से, वो अमाउंट फुली एग्जेम्प्ट होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके का जो बेनिफिट्स या जो परक्विजिट्स दिया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, वो यहाँ पर फुली एग्जेम्प्टेड है। अगर अलग केस है कोई, तो वहां पर 15,000 रुपए पर एनम ही एग्जेम्प्ट होगा और बाकी का जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा। तो यहाँ पर मेडिकल रिइंबर्समेंट जो होगा, बाकी का जो अमाउंट होगा, जैसे सपोज साल में 18,000 रुपए हमारे खर्च हुए हैं और उसमें से 15,000 का हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 3,000 जो बचा हुआ है वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी में जुड़ेगा और वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। मेडिकल बिल रिइंबर्समेंट जो कि एम्प्लॉय की तरफ से 15,000 रुपए पर एनम है और वो डॉक्टर या हॉस्पिटल का बिल जो भी होता है वो कवर्ड होगा इसमें, ये मेडिकल रिइंबर्समेंट आपको 15,000 का उसमें एग्जेम्प्ट मिलेगी। आप कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस का। यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस जो कि डन है डायरेक्टली बाय कंपनी, या मेडिकल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय ने कराया है और क्लेम कराया है रिइंबर्समेंट के लिए कंपनी को, तो वो दोनों चीजें फुल्ली एग्जेम्प्ट है विदाउट मैक्सिमम लिमिट। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें, एम्प्लॉय का है या उसको कोई डिसीज है, वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है, वो भी बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर केस अगर होता है तो वहां पर एग्जेम्प्ट लिमिट सिर्फ 15,000 रुपए पर एनम ही है। फैमिली की बात करें तो फैमिली से मतलब है सेल्फ, स्पाउस, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट है, ब्रदर्स सिस्टर्स। इसके अंदर ग्रांट्स पेरेंट्स को या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर को नहीं लिया जाता। फैमिली से मतलब यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर से है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है एम्प्लॉय की और एनुअल मेडिकल जो है उसने रिइंबर्समेंट क्लेम करा है 25,000 का, तो हमें कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था अदर केसेस में 15,000 पर एनम तक का आपको रिइंबर्समेंट क्लेम हो जाएगा, तो बेसिक सैलरी जो बैठेगी साल की 2,40,000 रुपए 20,000 पर मंथ से, मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम करा है 25,000 का, लेकिन उसमें से एग्जेम्प्ट हमारा जो होगा 15,000 तक ही टैक्सेबल अमाउंट वहां पर हमें मिलेगा। उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है 10,000 का, वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। इस तरीके से हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी बैठेगी 2,50,000 रुपए। एक और केस देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ और यहाँ पर एनुअल मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम किया गया है 24,000 का, साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है 15,000 का एम्प्लॉय ने और वो भी क्लेम करा है कंपनी को, तो बेसिक सैलरी यहाँ पर होगी 3,60,000 रुपए साल की, मेडिकल रिइंबर्समेंट जो कि 24,000 रुपए रिसीव हुआ है, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट हमारा 9,000 होगा, बाकी का 15,000 का हमारे यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा जो कि हमने ऊपर देखा था अदर केसेस में। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस क्योंकि ये फुल्ली आपका एग्जेम्प्ट होगा और ये 15,000 की 15,000 आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये हमारा कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी 3,69,000 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ और एम्प्लॉय को कुछ बीमारी हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा 60,000 रुपए का आया जो कि रिम्बर्स कर दिया है कंपनी ने। इन एडिशन एम्प्लॉय ने कुछ मेडिकल बिल भी दिए हैं रिम्बर्समेंट के लिए कंपनी को जो कि 30,000 के हैं। अब ये अदर केसेस में आ जाता है, जो बिल है हमारा 30,000 हमें एग्जेम्प्ट तो नहीं मिलेगा, उसका 15,000 का हम एग्जेम्प्शन ले सकते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट जो कि हॉस्पिटलाइज हुआ है 90,000 का, इसमें हमारा 60,000 रुपए का तो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, साथ ही साथ 15,000 की दूसरी हमारी बिल की लिमिट है, टोटल 75,000 का हम एग्जेम्प्ट ले लेंगे, बचा हुआ अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा 15,000 का। इस तरीके से हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी 3,75,000 रुपए आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मेडिकल रिइंबर्समेंट परक्विजिट्स के बारे में। जो भी एम्प्लॉय ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है हॉस्पिटल में आउटसाइड इंडिया, तो जितना भी खर्चा ट्रीटमेंट पर हुआ है वो टैक्स फ्री है एज पर RBI।
या जो भी रहने पर खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन स्टे वो भी टैक्स फ्री है, उसमें भी पूरा एग्जेम्प्ट है अमाउंट। लेकिन एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल्स एग्जेम्प्ट तब होगा जब आपका जीटीआई अमाउंट 2 लाख से कम या उसके बराबर होता है। अगर जीटीआई उससे ज्यादा है तो फिर आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल्स पर एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा और फिर वो टैक्सेबल अमाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एम्प्लॉय ने रिसीव करी है बेसिक सैलरी 2,40,000 यानी कि 20,000 पर मंथ से, और उसने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है आउटसाइड ऑफ द इंडिया अदर कंट्री के अंदर, जिसमें उसका एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है जो कि रिम्बर्स करा है कंपनी ने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जो हुआ है 1,00,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ स्टे 80,000, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल्स 30,000। एज पर RBI 70,000 रुपए का ही मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउ है अगर आउटसाइड इंडिया है, और 60,000 रुपए स्टे पर एग्जेम्प्ट है, और उसकी अलग से FD पर इंटरेस्ट इनकम है 5,000 की। तो हमें यहाँ पर GTI कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। इन अमाउंट से हम कैलकुलेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी 2,40,000 रुपए, मेडिकल ट्रीटमेंट पे 1,00,000 खर्च हुआ है लेकिन एग्जेम्प्ट होगा 70,000 है, बाकी का जो 30,000 है वो टैक्सेबल होगा। मेडिकल स्टे पे हमारा जो एक्सपेंस हुआ है 80,000 का, जिसमें एज पर RBI परमिट के हिसाब से 60,000 का ही आपको एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 20,000 रुपए उसको आपका टैक्सेबल अमाउंट में काउंट होगा। ट्रेवल्स पे आपका 30,000 अमाउंट है जो कि एग्जेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा GTI 2,00,000 से ऊपर है। इनकेस हमारी सैलरी कम होती और वो टोटल सपोज 10,000 पर मंथ होती तो उस केस में फिर हमारा इस पे एग्जेम्प्ट मिल जाता। फिलहाल तो अभी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये फुली अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा क्योंकि 2,00,000 से अबव है। हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई है 3,20,000, उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि है इंटरेस्ट इनकम 5,000 की। हमारा GTI हमें मिल चुका है 3,25,000 रुपए। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है www.selfadhyan.in पर। बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।